रद्द करें। इसी तरह रमज़ान में ईशा के बाद हम तरावी का काफ़ी एहतमाम करते हैं, तो बहुत सारे सवाल हमारे पास तरावी के ताल्लुक से आए हैं। सबसे पहले तो ये कि आम तौर से तरावी को बा जमात ही अदा किया जाता है, इंडिविजुअल बहुत कम लोग हैं जो इसको पढ़ते हैं, तो अब चूंकि मस्जिद बंद है लॉकडाउन में, तो ऐसी सूरत में क्या तरावी को घर में अदा किया जाएगा या उसको मस्जिद उसके लिए खोली जाएंगी? देखिए, सबसे पहले चीज़ ये कि तरावी, ये बात तय है, ये एक सुन्नत है, और देखा यह जा रहा है कि हमने अभी तो फर्जी बंद कर दिया, जुमा जैसी नमाज को हम नहीं पढ़ रहे हैं एहतियातन, तो जाहिर सी बात है सवाल ही नहीं उठता कि तरावी को हम बाजमात पढ़ेंगे। जब जुमा जैसी अहम नमाज जिसको बिला वजह अगर तीन जुमा तक छोड़ दे, दिल पे मोहर लगा दी जाती, बिला वजह, वजह के साथ नहीं, यहाँ वजह से छोड़े हैं, लेकिन बिला वजह अगर तीन जुमा ना पढ़ा जाए तो मोहर लग जाती है, वो नमाज को हम लोग बाजमात नहीं पढ़ रहे मस्जिद में, उसके बदले जहर पढ़ रहे हैं, तो तरावी का तो क्वेश्चन राइज ही नहीं होता। यहाँ तरावी को बाजमात पढ़ना ही नहीं है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉकडाउन के बाद भी आप तरावी को मस्जिद में ना पढ़े, अगर इजाजत मिलती भी है तो ना पढ़े, इसलिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस 3 के बाद इंडिया से बाहर नहीं जाने वाला है, ये सिर्फ लॉकडाउन खत्म होने वाला है, तो मैं तो प्रिफर करूंगा कि इस रमजान में हम तरावी को बाजमात ना पढ़े। अगर गवर्नमेंट इजाजत दे भी दे तो मैं कहूंगा पर्सनल लेवल पर हम ना जाए, क्योंकि हमने जब फर्ज में एहतियात की, जुमा में एहतियात की, तो यहाँ भी एहतियात करेंगे तो तरावी को हम घर में पढ़ेंगे। और वैसे भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी को सिर्फ 3 बार जो है जमात से पढ़ाया, ताकि बता दे कि ये बाजमात भी हो सकती है। और आपका जिंदगी भर का मामूल तो खामोशी के साथ अकेले में रहा, तो बेटर तो मैं यही कहूँगा अपनी अपनी तरावी को आप अपना अपना पढ़ ले, 2-2 रकात करके जितनी आप पढ़ सकते, 2 पढ़े, 4 पढ़े, 6 पढ़े, 8 पढ़े, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है कि सुन्नत है 8 रकात, इससे ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हो तो 10 पढ़े, और जहाँ तक पढ़ना आपको पढ़े 20 पढ़े, 36 पढ़े, जहाँ तक आपकी मर्जी है बहरहाल आप पढ़े। चूँकि ये फ़र्ज नमाज नहीं है और ये सुन्नत और नवाफिल की कैटेगरी में आती है, तो इस तरीके से इसको इंडिविजुअली अकेले में पढ़ना ज़्यादा इखलास के साथ रहेगा। सही बात है, और ज़्यादा मुफीद भी रहेगा, और बाजमात भी पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट बहरहाल चूँकि अभी सिचुएशन ऐसी है, तो मैं तो प्रेफर ये करूँगा कि तरावी को घर में ही पढ़ा जाए, ये साल याद रखिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी औरतें वैसे भी तो उनका इंतजाम था घरों में पढ़ती थी, अभी से मर्दों को पढ़ना है, तो वो मर्द जो नमाज घर में अभी बाजमात पढ़ ही रहे हैं वो तरावी भी पढ़ा दे 2-2 रकात करके, और छोटे छोटे जो भी सूरह याद हो पढ़ते जाए, उसके अंदर काफ़ी है मैं समझता हूँ इंशाल्लाह। आमतौर से ये माना जाता है कि तरावी में पूरा मुकम्मल कुरान कम्प्लीट करना ही ज़रूरी होता है, अब चूंकि वो चीज़ सिर्फ एक हाफिज़ कर सकता है और अब हर घर में तो कोई हाफिज़ है नहीं, तो ऐसी सूरत में फिर तरावी को किस तरीके से अदा किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक मामला तरावी में कुरान मुकम्मल करने का, ये सबसे अफजल शक्ल है, ज़रूरी नहीं, तो तरावी को आप बगैर कुरान मुकम्मल करके भी बहरहाल पढ़ सकते हैं, इसमें भी इंशाल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं है। तो जितना आपको कुरान याद हो, जो सूरह आपको याद हो, 4 सूरह याद है, वही 4 सूरों को रिपीट करते जाइए हर 2 रकात में 2 रकात में, तो भी इंशाल्लाह अज़ीज़ तरावी हो जाएंगे। फिर देखिए, तरावी में जो कुरान को ख़त्म करना है, तो रमज़ान के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी पढ़ते एक अलग अमल है, और कुरान ख़त्म करते एक अलग अमल है, तो जाहिर सी बात है हम चाहते हैं दोनों अमल साथ हो जाए, तरावी भी हो जाए, कुरान भी ख़त्म हो जाए, इसलिए हम लोग इस तरह से क्लब करते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं, याद रखिए आपको जितने याद है कुरान की सूरतें, उतनी सूरतों को आप तरावी के अंदर पढ़ लीजिए, जितना कुरान आपको आसानी से याद है, 4 सूरे याद है तो 4 सूरों को लेकर ही आप पूरी तरावी पढ़ लीजिए, पूरा कुरान ख़त्म करना इसमें ज़रूरी याद रखिए बिल्कुल भी नहीं है। कुरान का रमज़ान में ख़त्म करना अलग अमल, और तरावी का पढ़ना बिल्कुल भी एक दूसरा अलग ही अमल है, याद रखिए। या इसकी ऐसी कोई सूरत हो सकती है कि हम हाफिज़ को घर पर बुला लें और वो हमको जमात से नमाज़ पढ़ा जरूर? देखिए, हाफिज़ को घर पर बुलाना और वो जमात से आपको पढ़ा दे, मैं चाहता हूँ फिर एक रिस्क है, ये हाफिज़ साहब पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेंगे, हमको नहीं पता, हमको उसका नॉलेज नहीं है, फिर वो आपके घर में आ रहे हैं, फिर सोशल डिस्टेंसिंग का इशू, फिर नमाज में बेटर ये देखिए जो घर के लोग हैं वो घर में पढ़ ले, किसी हाफिज़ को बुलाकर खुद पढ़कर लोगों को जमा करना, मैं समझता हूँ फिर ही ख़तरे से खाली नहीं होंगे, एहतियात करने में कोई हर्ज नहीं है, एक रमज़ान का मामला है, सेहत रही, तवाना रही, तो फिर ज़िंदगी में इंशाल्लाह और भी रमज़ान अल्लाह ताला देगा और करेंगे बहरा, तो एहतियात कीजिए, मैं तो प्रेफरेबली यही कहूँगा। हाँ, किसी के घर में अपना बच्चा ही हाफिज़ है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं, फिर पूरी तरावी पढ़ा ही पढ़ना है उसको, तो कोई इसमें इंशाल्लाह हर्ज ही नहीं उसमें। जब घर में हमको तरावी पढ़ना है तो क्या वो जमात से पढ़ी जाएगी या इंडिविजुअल पढ़ना है? क्योंकि हम सिर्फ फ़राइज़ को हम जमात से अदा करते हैं, बाकी सारी नमाज हमारी इंडिविजुअल होती है। तो देखिए, तरावी का मामला ये कि इसको जमात से पढ़ा जा सकता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन सहाबा को पढ़ाए, लिहाजा कोई जमात से पढ़ना चाहे पढ़े, कोई अकेला पढ़ना चाहे पढ़े, ये उसकी अपनी चॉइस है, कोशिश करे कि ईशा के बाद पढ़ ले, और मतलब ईशा के बाद से इसका वक्त चालू होता है तो सहर के आखिरी वक्त तक रहता है, तो कोशिश करे इसको जल्दी पढ़ ले ताकि मसला ना हो, और अगर सहूलत है तमाम चीज़ें तो अफजल तो यही कि रात के आखिरी पहर और आखिरी हिस्से में इसको सहर के वक्त पढ़ा जाए।
एक सवाल हमारे पास इस तरीके से आया है कि बहुत सारी जगह पर अपार्टमेंट में, बहुत सारे फ्लैट में मुस्लिम्स लोकेलिटी रहती है और बहुत सारे लोग रहते हैं, तो क्या वो तरावी के लिए ऐसा कर सकते हैं कि टेरेस पर या किसी बड़े हॉल में सब लोग एक साथ जमा होकर बाजमात तरावी अदा कर ले? बिल्कुल नहीं। याद रखिए, अगर आप किसी एक लोकेलिटी में रहते हैं, प्रिंसिपैलिटी में रहते हैं या एक टाउनशिप में रहते हैं, भाई का सवाल है क्या सब लोग मिलकर हम छत पर चढ़ जाए और नमाज पढ़े? बिल्कुल नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ रहेंगी फिर? यही तो मसला है मेरे भाई। तरावी असल इशू नहीं है, असल इशू है इंसानी ज़िंदगी का मसला है। मैं बीमार हो जाऊंगा, अल्लाह ना करे, मेरे वजह से ना जाने कितने लोग इफेक्टेड हो जाएंगे, तो अल्लाह के लिए इस रमज़ान तक कोई मसला नहीं। तो बिल्कुल भी ये करना दुरुस्त नहीं है कि सब लोग एक अपार्टमेंट के एक साथ जमा हो जाए, फिर सोशल डिस्टेंसिंग बाकी नहीं रहेंगी और सारे मसले। और अगर इसका जवाब होता तो फिर जुमा क्यों नहीं पढ़ते हम? ऐसा जब हम जुमा को कह रहे हैं ऐसा नहीं पढ़ना है, तो बहरहाल तरावी तो बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल भी इसको ऐसा नहीं करना। याद रख, तो देखा नाज़रीन, सोशल डिस्टेंसिंग को हमको पहले मुकदम रखना है और उसके बाद जो जो अमल हो सकते हैं हमें वो करना है। बिल्कुल भी टेरेस पर जमा होकर, हॉल में जमा होकर, इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़कर अगर कोई भी अमल किया जा रहा है तो वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हम फ़राइज़ को भी जब इंडिविजुअली घर में अदा कर रहे हैं तो ये सुन्नत और नफिल दर्जे की नमाज़ों को और इबादत को हम बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़कर एक जगह पर अदा ना करें। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की जानिब। एक सवाल इस तरीके से आ रहा है कि घर में, अगर किसी घर में हम आमतौर से देखते हैं कि अगर जो बच्चे होते हैं वो हाफिज़ कुरान हो जाते हैं, तो एक बच्चा है जो नाबालिग है और लेकिन हाफिज़ कुरान है, तो क्या वो तरावी की जमात की इमामत कर सकता है? देखिए, अगर किसी घर में एक ऐसा बच्चा है जो हाफिज़ कुरान है और छोटा है, समझ लीजिए नाबालिग आप बोल लीजिए, छोटा है, क्या कर सकता है? तो हाँ कर सकता है। हमें ऐसी रिवायतें मिलती है जिसमें सहाबा जिनकी उम्र 7 साल बताई जाती है, उन्होंने अपने इलाके में इमामत कराई। तो बहरहाल एक बच्चा जो गैर बालिग हो लेकिन कुरान जानता हो, इमामत कर सकता है, बल्कि फ़र्ज नमाज कर सकता है। सही, सहाबी अपने इलाके की फ़र्ज नमाज में करवा रहे थे। और इसी से मुतालिक एक और सवाल हमारे पास आया है कि अगर हम घर में बाजमात नमाज पढ़ा रहे हैं और ख़वातीन भी हमारे साथ नमाज में शामिल है, तो क्या उस शख्स के, और ख़वातीन अगर मुख्तदी है सिर्फ, तो उनके बीच में कोई पर्दा वगैरह रखना पड़ेगा या सीधे वो पीछे सफ में खड़ी हो सकती है? देखिए, जहाँ तक मामला ऐसा है कि घर की औरतें हैं, मतलब महरमाती है, और अगर नमाज पढ़ रही है तो इमाम आगे होंगे, जो मर्द है, और घर में सिर्फ औरतें हैं जो नमाज पढ़ रही है, वो पीछे रहेंगी, बस खत्म हो गया, पर्दे की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ऐसा मसला है कि कोई गैर महरम है तो नमाज पढ़ा रहा हो और सिर्फ औरतें हैं, तो फिर पर्दा हो जाए तो इसमें ज़्यादा बेहतर होगा कि एक पर्दे की आड़ो, औरतें पीछे खड़ी है, इमाम साहब आगे खड़े हो, चूंकि दूसरा कोई भी नहीं, अकेला है, तो बहरहाल ऐसा किया जाए। आमतौर से जॉइंट फैमिलीज वगैरह में ऐसा देखने में आता है कि जहाँ पर ना महरम भी साथ में होते हैं, जी, तो वहाँ पर अगर नमाज पढ़ानी पड़े तो पर्दे का इस्तेमाल किया जाए। बहरहाल नहीं, नॉन महरम अगर है और घर के अंदर माहौल है और दीगर मर्द भी है, तो फिर इसको ना किया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो नमाज ऐसे ही पढ़ाते थे, और दीगर सहाबा ने पढ़ाई, तो रिवायतों में आता मस्जिद नबी मर्दों की सब बनती, बच्चों की सब बनती, औरतों की सब बनती, पर्दे का कहीं भी जिक्र नहीं। और जबकि हम जानते हैं नमाज के अंदर औरत चेहरे को खुला रखती है। इसी से मुतालिक एक सवाल है कि अगर हम घर में नमाज पढ़ा रहे हैं तरावी की, तो क्या कुरान को हमें देखकर तिलावत कर सकते हैं नमाज के दौरान? देखिए, अगर घर में तरावी की नमाज़ आप पढ़ना चाह रहे हैं, या ख़ुद शौक़ है कि मैं नमाज में कुरान ख़त्म करूं या मखसूस सूरतों को पढूं, तो हाँ कुरान को आप देखकर पढ़ सकते हैं, इसमें इंशाल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं। तो रुकू और सजदे में फिर उसकी क्या एहतियात लेनी होगी और क्या मामला होगा? हाँ देखिए, अब जो कुरान को लेकर आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश तो ये करें कि मिसाल के तौर पर कुरान को आपको पढ़ना है तो तरीका ये कि आपने हाथ बांधा, कुरान को सीधे हाथ में रख लिया, एक तो तरीका ये हो सकता है, या फिर आपने हाथ बांध लिया और कुरान को किसी चीज़ पर रख दिया, मतलब कोई पोडियम, कोई स्टैंड हो, कुरान उस पर रखा और आप देख कर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और रुकू सजदे के टाइम में थोड़ा उसके बाजू हट जाते हैं आप, या उसको थोड़ा बाजू सरका देते हैं आप, ये कर सकते हैं। या फिर एक तरीका हो सकता है, कुरान आप हाथ में लेकर पढ़ रहे हैं, जब आपका पढ़ना होगा तो कोई ऊंची चीज़ अपने बाजू रख लीजिए आप, उस पर कुरान को रख दिया रुकू और सजदे के टाइम तक, कि आपने रख दिया रुकू सजदे की, फिर जब वापस उठे उसको लिया और फिर उसको खोल के आगे पढ़ना शुरू कर दिया, तो बहरहाल ये किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ इमाम के लिए होगा जी, अगर घर में समझ लीजिए दो चार लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो एक आदमी हाथ में ले ले, ये कर सकता है। बहुत सारे लोगों को ये भी देखा जाता है कि कोई चीज़ रखने की ना हो तो बगल में रख के करते हैं, वो ठीक नहीं, इसलिए कि बगल में रखना, फिर बगल में रख के झुकना, सजदे करना ठीक नहीं है। बेटर है कि आप कुर्सी टेबल कुछ रख ले, फिर आपने कुरान पढ़ा, उसके बाद आपने जब रुकू करना है तो कुरान को आपने बाजू रखा, खुला ही रख दिया जैसा है, अल्लाह हू अकबर कह के रुकू करा, सजदे करे, फिर जब उठे फिर कुरान को हाथ में ले लिया, फिर आप देखकर उसको पढ़ रहे हैं। देखिए, कुरान को हाथ में लेकर जो पढ़ने का मामला, अकेला इंसान भी कर सकता है, कोई इंसान इमामत कर रहा है इमाम भी ये कर सकता है, या जैसा भी कर सकता है, मर्द भी कर सकता है और औरत भी कर सकती है इंशाल्लाह अज़ीज़, कि वो कुरान को लेकर नमाज़ें पढ़े और उसका एहतराम बाकी रखते हुए कि उसको रखना वगैरह का इंतज़ाम कर ले, टेबल वगैरह का, या फिर कोई ऊंची चीज़ पर रख ले कि आदमी देखकर उसमें से पढ़ ले और बाद में रुकू सजदे करे फिर उठ जाए, ये कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। ये मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकता है, अकेला आदमी भी कर सकता है, बाजमात भी कर सकता है, इमाम भी कर सकता है। ताकि पर मुख्तदियों कहूँगा इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इमाम पढ़ा रहा है तो मुख्तदी को ज़रूरत नहीं, लिहाजा मुख्तदियों को सिर्फ इमाम की बात सुनना है।
अगर कोई शख्स मुसहफ़ को हाथ में लेकर ना पढ़ता हो और वो जो सूरह उसको याद है अगर उन्हीं सूरह की तिलावत अगर वो करना चाहे, तो तरावी में कोई स्पेसिफिक, जैसे हमारे पास आमतौर से देखा जाता है कि कुरान मुकम्मल होने के बाद मस्जिद में अलम तरह से शुरू किया जाता है, तो क्या अलम तरह से लेकर सूरह नास तक ही पढ़ना होगा या हम कोई भी सूरह तरावी में पढ़ सकते हैं? देखिए, तरावी में आप कोई भी सूरह पढ़ सकते हैं, अगर आपको अलम तरह से नास तक याद है तो ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक चलन था कि 20 रकात नमाज पढ़ना है, जल्दी नमाज खत्म करना है, तो अलम तरह से नास फिर अलम तरह से नास, मतलब पहली 1 से 10 और 11 से 20 में लोग ऐसा पढ़ाते थे सहूलत के लिए ऐसा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जो सूरतें याद हो जहाँ से याद हो, बल्कि ऐसा भी कर सकते हैं आप, पहले आपको सूरह बकरा की 2-3 आयतें याद है वो पढ़ ली पहली रकात में, दूसरी रकात में आपको आयतुल कुर्सी याद है आपने वो पढ़ ली, फिर तीसरी रकात के लिए जब आप खड़े हो तो आपको सूरह इखलास याद है वो पढ़ लिया, चौथी रकात के लिए सूरह नास पढ़ लिया, पाँचवीं में सूरह फलक पढ़ लिया, छठी में जो है अलग अलग कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। इंशाल्लाह घर में तरावी से मुतालिक एक सवाल इस तरीके का है कि घर में अगर सारी खवातीन हैं और खवातीन ही बाजमात नमाज अदा कर रही है, तो क्या वो तरावी को जहरी तौर पर पढ़ेंगे या सिर्फ उनको दिल में तरावी की नमाज को अदा करना, तिलावत करना है? देखिए, तरावी की नमाज अगर औरतों को औरत ही पढ़ा रही है तो वो जहर में पढ़ाएंगी, इसलिए कि इसका मकसद ये कि कुरान सुना जाए, तो फिर वो जहर में पढ़ाएंगी। बस औरतें अगर औरतों को नमाज पढ़ा रही तो याद रखिए इनका मसला ये होगा कि औरत इमामत के लिए आगे नहीं खड़ी होंगी, इमाम बीच में खड़ा होगा, जैसा मर्द अगर इमाम हो तो आगे खड़ा होता है, पहली सब पीछे बनती है, लेकिन औरतों का मसला बिल्कुल इससे हट करें, औरतों का मसला ये कि पहली सब बनेंगी और वो इमाम औरत बीच में खड़ी होंगी, फॉर एग्जांपल इधर 5 है इधर 5 है और बीच में वो 11 है टोटल बीच में होंगी, तो औरतों के लिए उनका इमाम सफ़ के पहली सफ़ के बीच में खड़ा होता है याद रखिए, जबकि मर्दों में इमाम आगे खड़ा होता है, तो अगर औरतों को औरतें पढ़ा रही है तो औरत जहर में पढ़ेंगी, क्योंकि मकसद तो कुरान सुनना ही है, और वो सफ़ के अंदर बीच में खड़े रहेंगी, पहली सफ़ के अंदर बीच में और इमामत करेंगे, थोड़ा आगे रहना, थोड़ा आगे नहीं, बिल्कुल सफ़ के बिल्कुल बीच में, थोड़ा आगे नहीं, पूरी सफ़ के बिल्कुल बीच में वो खड़े रहेंगे। तो नाज़रीन, हमने देखा एक मसला ये भी सामने आया है कि औरतें भी बाजमात नमाज अदा कर सकती है और औरत भी औरतों की इमामत कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जहाँ पर सारी औरतें हों, अगर मर्द साथ में है तो इमामत कभी भी मर्द करेगा, औरत कभी भी किसी मर्द की इमामत नहीं कर सकती है। इसी तरह एक सवाल हमारे सामने आया है कि